नमस्कार, स्वागत है आपका द खबरदार न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे कि क्या है कांग्रेस पार्टी की रणनीति लोकसभा चुनावों के प्रति। दिल्ली में 7 मार्च को होने वाली एक बड़ी बैठक में कांग्रेस के नेताओं की बैठक का महत्व क्या है, यह आज की चर्चा का विषय है। कांग्रेस ने अब तक लोकसभा चुनाव के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 195 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। क्या यह रणनीति है या चिंता, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश की चर्चा भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को यह हाल ही में हार का सामना करना पड़ा है, जिससे उनकी चुनौती बढ़ी है। क्या कांग्रेस इस बार फिर से विजय हो पाएगी या चुनौती सबको चौंका देगी। कांग्रेस पार्टी में अब चर्चा है कि किस उम्मीदवार को कहां से उतारा जाए। कई बड़े नेता जैसे कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अजय सिंह के नाम भी सामने आ रहे हैं। क्या ये नेताओं की जानकारी से भाजपा को चुनौती मिलेगी या चुनौती कांग्रेस को। मध्य प्रदेश के पिछले चुनाव में कांग्रेस की हार ने पार्टी को कड़ी चेतावनी दी है। अब कांग्रेस के सामने एक बड़ा चुनौती है कि वे अपने नेताओं को कैसे उतारेगी और कैसे चुनाव से प्रभावी रूप से हिस्सा लेगी। यह सब कांग्रेस के लिए एक नया आगे का मुद्दा होगा। इस बार के चुनाव रणनीति के बारे में जानकारी के साथ हम अन्य पार्टियों और राज्यों की प्रतिक्रिया को भी देखेंगे। यह सब और भी रोचक होने वाला है और हम इसे आप तक पहुंचाएंगे। यह था आज का द खबरदार न्यूज का खास समाचार। हम जल्द ही वापस आएंगे। धन्यवाद।